स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 3 Pro का। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं इसका क्या है कुछ नया कंटेंट, कितना दमदार है ये फोन। देखिए आगे वीडियो में। ये है इसका बिल जो कि है 13,999 रुपए का, और इसको करते हैं हम सील ब्रेक। ये हो चुकी है अपने फ़ोन की सील ब्रेक। जो कलर लिया है वो लिया है मैंने नाइट्रो ब्लू। और कुछ मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शंस में जो कैमरा है वो रियर है 16+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट है वो है 25 MP का। जो स्क्रीन साइज़ है वो है 16 सेंटीमीटर की 6.3 इंच की, और जो बैटरी है वो है 4045 mAh की। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको ओपन। और सबसे पहले हमें मिलता है ऊपरी ऊपर ये एक पेपर वर्क और रियर केस, जिसको हम एक बार रखते हैं साइड में। और साथ में मिलता है हमें एक सिम इजेक्टर टूल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम एक बार और साइड में रखते हैं। उसके बाद में हमें मिलती है हमारी मेन यूनिट इस कलर में, इसको रखते हैं एक बार यहाँ साइड में और बाकी कंटेंट देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, तो ये है वूक सुपर फास्ट चार्जर। आउटपुट देखते हैं इसका, ये है 5 वोल्ट 4 एम्पीयर का 20 वाट का चार्जर है। और ये मिलती है हमें एक चार्जिंग केबल जो कि है माइक्रो यूएसबी से यूएसबी टाइप सी, होती तो और मज़ा आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक फास्ट चार्जर जो कि 80 मिनट में आपके फ़ोन को कर देगा पूरा का पूरा चार्ज। तो यही इसका, और तो कुछ कंटेंट है नहीं साथ में। अब उतारते हैं फ़ोन का रैप और देखते हैं क्या है इसमें कुछ स्पेशल। ये है कलर जो कि है काफ़ी शानदार कलर, मतलब मज़ा आ जाएगा। करते हैं फ़ोन को बूट। बैटरी हो इसमें, आई होप ओके है बैटरी इसके अंदर। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर हमें मिलता है ये 25 MP का कैमरा, और उसके जस्ट ऊपर भी मिलता है हमें स्पीकर पीस। बॉटम साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में मिलता है हमें 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, USB केबल, स्पीकर ग्रिल। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ मिलता है हमें पावर बटन, और ऊपरी ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमें मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो मिलती है सिम ट्रे और वॉल्यूम रोकर बटन्स। सिम ट्रे हम एक बार चेक करना चाहेंगे कैसी मिलेगी हमें। ओके, ये है ट्रिपल स्लॉट, माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है। दोनों सिम 4G हैं, दोनों वोल्टेज जियो चला सकते हो आप इसमें। और फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, और करते हैं इसको आगे और देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी में फेस अनलॉक का, तो फेस अनलॉक के लिए इनरोल करते हैं, और ये फटाफट हो गया फेस इनरोल। और उनकी फिंगरप्रिंट भी हम सेट करते हैं अभी। ये हो चुकी है हमारी फिंगरप्रिंट ऐड। ये है कलर OS 6 Android 9 Pie के साथ में। तो सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद में हम देखते हैं अबाउट फ़ोन में। तो हमें स्नैपड्रैगन 710 है जो कि काफ़ी दमदार चीज़ है, बहुत ही रियली एकदम मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। रैम है वो है 4GB की, और 64GB है वो है स्टोरेज, और सिक्योरिटी पैच लेवल है वो मार्च 2019 का। तो फ़ोन पूरा Android 9 Pie के ऊपर बेस्ड है, कलर OS 6.0। तो डिस्प्ले है वो है काफ़ी शानदार, और गूगल्स की हमारे पास सारी एप्लीकेशंस दी गई हैं। कुछ अलग से एप्लीकेशंस भी हम चेक करना चाहेंगे, ये डिलीट होती हैं या नहीं होती हैं बिल्कुल, ये अनइंस्टॉल करके देखते हैं हम। और ये अनइंस्टॉल हो रही हैं, मतलब जो अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं। और काफ़ी अलग यूनिक लग रहा है ये, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हैंडलिंग काफ़ी शानदार है। और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे हमें सेंटर में मिल जाता है अपना फिंगरप्रिंट सेंसर, और ऊपर की तरफ मिल जाता है 16 MP + 2 MP का कैमरा, वो भी LED फ्लैश के साथ में। और ये Realme का लोगो कलर है वो पीछे का, काफ़ी गुड लुकिंग है एकदम, और वाइब्रेंट है, डिस्प्ले भी काफ़ी वाइब्रेंट है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। अब हम इसका एक छोटा सा कैमरा टेस्ट करना चाहेंगे,
इसी के हम एक बॉक्स को ले लेते हैं और इसी का एक पिक्चर हम लेना चाहेंगे। और हम डिटेल्स देखना चाहेंगे, मेड इन इंडिया एकदम अच्छे अच्छे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, तो डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। सेल्फी भी हम एक बार ट्राई करना चाहेंगे इसकी। लाइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट है, बाकी कुल मिला के ठीक है। अब देखेंगे हम इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट काम करता है। ये मैंने लगाया, ये लगाया, ये खुल गया, ये लगाया, ये खुल गया, ये लगाया, ये खुल गया, मतलब एकदम क्विक है फिंगरप्रिंट। अब हम एक बार फेस को ट्राई करते हैं। मैं अभी इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और जैसे ही देखा एकदम क्विक ओपन। अब मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और जैसे ही देखा ये एकदम क्विक ओपन। तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, मतलब ये फ़ोन रॉक करने वाला है। काफ़ी शानदार पैकेज लग रहा है मेरे को, तो इस प्राइस में ये फ़ोन मेरे हिसाब से बेस्ट है। और यही था इसका पूरा हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और लाइक ज़रूर करना।